सो अगर आप ये देखिए, ये एक क्लब फुट के पैर का मॉडल है। अगर आप एक बच्चे के पैर से इसको कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही दिखता है। तो एक बच्चे के पैर को जब एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है तो ये ऐसे ही दिखता है। इसमें अगर आप देखें तो कैसे एडी अंदर घूमी हुई है, पंजा पूरी तरह से अंदर घुमा हुआ है। तो ये एक्चुअली एक थ्री डायमेंशनल डिफॉर्मिटी है, जिसमें कि पंजे का आगे का हिस्सा, बीच का हिस्सा और पीछे का हिस्सा तीनों ही इन्वॉल्व होता है। इसमें घुमाव भी है, इसमें तिरछापन भी है, और जहां पे ये रेड डॉट है वहां पर डॉक्टर अपने अंगूठे से प्रेशर लगाता है और पंजे को उसके ऊपर सीधा किया जाता है। अगर गलत जगह प्रेशर लगाया जाएगा, जहां की NO लिखा है नीला रंग का, अगर वहां अंगूठा लगाया जाएगा तो करेक्ट नहीं होगा। यही आमतौर पर गलती होती है पूरी दुनिया में, जिसके कारण पैर सीधे नहीं हो पाते हैं क्लब फुट के। तो ये देखिए, जब हम पैर सीधा करते हैं तो पहले तो हम पैर को रोटेट करते हैं और फिर बाहर करते हैं। तो अंगूठा एक फलक्रम की तरह काम करता है, जो कि एक एडी की हड्डी होती है जिसको टैलस बोन बोलते हैं, उसके ऊपर अंगूठा रहता है और उससे पैर बाहर की होता है उसके। इस प्रोसीजर में एडी अपने आप बाहर आ जाती है, पंजा बाहर आके रोटेट हो जाता है, बस अंगूठे नीचे की तरफ नहीं रखना, अंगूठा ऊपर की तरफ रखना है। यही तरीका होता है पॉन्सेटी विधि, जिसको कि पॉन्सेटी प्लास्टर बोलते हैं। इसी प्लास्टर से क्लबफुट का इलाज होता है।